नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना ओम प्रकाश प्रजापति। आज मैं विश्व आदिवासी दिवस के रूप में आपसे मिलने आया हूं और अपनी कुछ चर्चा करने आया हूं। जैसा कि आज अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस है, विश्व में रहने वाले आदिवासी लोग के मूलभूत अधिकारों, जल जंगल जमीन को बढ़ावा देने और उनकी सामाजिक आर्थिक राजनीतिक और न्यायिक सुरक्षा के लिए प्रत्येक वर्ष 9 अगस्त को मनाया जाता है। यह दिवस उन उपलब्धियों और योगदानों को भी स्वीकार करता है जो मूल निवासी लोग पर्यावरण संरक्षण, आज़ादी, महा आंदोलनों जैसे विश्व के मुद्दों को बेहतर बनाने के लिए करते हैं। विश्व आदिवासी दिवस अर्थात विश्व की सभी जनजातियों यानी आदिवासियों का दिवस। आदिवासी अर्थात जो प्रारंभ से यहाँ रहता आया है। करीब 400 पीढ़ियों पूर्व सभी भारतीय वन में ही रहते थे और वे आदिवासी थे, परंतु विकास क्रम के चलते पहले ग्राम बने, फिर कस्बे और अंत में नगर और महानगर। यहीं से विभाजन होना शुरू हुआ। जो वन में रह गए वे वनवासी हो गए, जो गांव में रह गए वे ग्रामवासी हो गए और जो नगर में रहने लगे वे नगरवासी कहलाने लगे। भारत में लगभग 25% वन क्षेत्र है। इसके अधिकांश हिस्से में आदिवासी समुदाय रहता है। लगभग 90% खनिज संपदा, प्रमुख औषधियां एवं मूल्यवान खाद्य पदार्थ इन्हीं आदिवासी क्षेत्रों में हैं। भारत में कुल आबादी का लगभग 11% आदिवासी समाज है। स्वतंत्रता आंदोलन में आदिवासी समाज की महत्वपूर्ण भूमिका रही। आज भी जब भी जरूरत होती है यह समाज देश के लिए हर तरह का बलिदान देने को तत्पर रहता है। अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस मनाते हुए हमें आदिवासी समाज के अस्तित्व एवं अस्मिता को धुंधलाने के प्रयासों को नियंत्रित करने के लिए चिंतन करना होगा, क्योंकि यह दिवस पूरी दुनिया में आदिवासी जनजीवन को समर्पित किया गया है, ताकि आदिवासियों के उन्नत स्वास्थ्य, समतामूलक एवं खुशहाल जीवन की नई पगडंडी बने। विचार चर्चाएं आयोजित हों, सरकारें भी सक्रिय हों, आदिवासी कल्याण की योजनाओं को लागू करें। इस दिवस को आयोजित करने की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि आज भी आदिवासी लोग दुनिया भर में उपेक्षा के शिकार हो रहे हैं। उनको उचित सम्मान व उन्नत जीवन नहीं मिल पा रहा। हजारों वर्षों से जंगलों और पहाड़ी इलाकों में रहने वाले आदिवासियों को हमेशा से दबाया और कुचला जाता रहा है, जिससे उनकी जिंदगी अभावग्रस्त ही रही है। केंद्र सरकार आदिवासियों के नाम पर हर साल हजारों करोड़ों रुपये का प्रावधान बजट में करती है। इसके बावजूद भी उनकी आर्थिक स्थिति, जीवन स्तर में कोई बदलाव नहीं आया। स्वास्थ्य सुविधाएं, पीने का साफ पानी आदि मूलभूत सुविधाओं के लिए भी आज भी तरस रहे हैं। जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ने वाले आदिवासियों को अपनी भूमि से ही बहुत लगाव होता है। उनकी जमीन बहुत उपजाऊ होती है, उनकी माटी एक तरह से सोना उगलती है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि आज भी विमुक्त होती बंजारा जातियों की जनगणना नहीं की जाती। तर्क यह दिया जाता है कि वे सदैव एक ही स्थान पर नहीं रहते। आदिवासियों की ऐसी स्थिति तब है जबकि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने आदिवासियों को भारत का मूल निवासी माना है, लेकिन आज वो अपने ही देश में परायापन, तिरस्कार, शोषण, अत्याचार, धर्मांतरण, अशिक्षा, सांप्रदायिकता और सामाजिक एवं प्रशासनिक दुर्दशा के शिकार हो रहे हैं। आदिवासी समाज की मानवीय गरिमा को प्रतिदिन तार तार किया जा रहा है। हजारों आदिवासी दिल्ली या अन्य जगहों पर रोजगार के लिए वर्षों से आते जाते रहे हैं, पर उनका आंकड़ा भी जनगणना में शामिल नहीं किया जाता। ना ही उनके राशन कार्ड बनते हैं और ना ही वे कहीं के वोटर होते हैं, अर्थात इन्हें भारत का नागरिक से भी वंचित रखा जाता है। आदिवासियों की जमीन तो छीनी ही गई, उनके जंगल के अधिकार भी छीने गए। इतना ही नहीं, उन्हें मूल लोकतांत्रिक अधिकार देश की नागरिकता से भी वंचित किया जा रहा है। देश में गरीबी हटाओ जैसे कार्यक्रम भी बने हैं, उनका क्रियान्वयन ठीक से नहीं हो पाया। केंद्र एवं राज्य सरकारों ने भी गरीबी कम करने के लिए कई योजनाएं चलाईं, किंतु उससे भी पूर्ण रूप नहीं दिया जा सका। साथ ही आदिवासियों से जंगल के वन उत्पाद संबंधित उनके परंपरागत अधिकार पूरी तरह छीन लिए गए।
आदिवासी समाज से कटकर भारत के विकास की कल्पना करना अंधेरे में तीर चलाने जैसा होगा। आज आदिवासी समाज इसलिए खतरे में नहीं कि सरकारों की उपेक्षाएं बढ़ रही हैं, बल्कि उपेक्षापूर्ण स्थितियां सदैव रही हैं, कभी कम या कभी ज़्यादा। सबसे खतरे वाली बात तो यह है कि आदिवासी समाज की अपनी ही संस्कृति एवं जीवन शैली के प्रति आस्था कम होती जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस मनाने की सार्थकता तभी है जब हम इस जीवन समाज को उसी के परिवेश में उन्नति के शिखर दें। दोस्तों, आपको ये कैसी जानकारी लगी, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस चैनल की कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।